हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द गेनर्स। और आज आपको टॉपिक पता होगा क्या चल रहा है, वीवैप। देखो मैं इस टॉपिक को ना थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो होगा ये 10 मिनट का, पर अभी इस वक्त आई थिंक इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लोग इसको यूज कर रहे हैं, बट आई थिंक एज अ इंडिकेटर दे आर अप्लाइंग इट एज अ इंडिकेटर ऑन चार्ट। इसके नीचे जाता है तो सेल कर देते हैं और इसके ऊपर जाता है तो बाई कर देते हैं। मैं बस थोड़ी सी चीज़ें इसको समझाऊंगा कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हो, ऑफकोर्स इट इज़ वेरी यूजफुल इन इंट्राडे एंड आई थिंक मेनी ट्रेडर्स आर यूजिंग इट ऑलरेडी। तो मैं ट्राई करना चाहता हूं कि आप इसका लॉजिक समझो और इसको कब यूज करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज आप जस्ट इंट्राडे में इसको बाई सेल मार रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना सक्सेसफुल होगा। और आपको कई बार ये देखने को भी मिला होगा कि मार्केट इसके ऊपर नीचे घूमती रहती है और आप परेशान होते रहते हो, आप इसके ऊपर एसएल लगाते हो, एसएल हिट हो जाता है। तो आज हमें सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आप अगर अभी नए हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो ऑफकोर्स। नाम से सबको पता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब बेसिकली ये है कि ये एक तरीके से ना एक ड्रॉ रहता है बेसिकली चार्ट के ऊपर, और वहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि जहां पे प्राइस वॉल्यूम ज्यादा है, जिस जगह पे ट्रेडिंग की वॉल्यूम ज्यादा है उस जगह पे ये उस जगह को दर्शाता है बेसिकली। तो अगर वीवैप डिक्लाइनिंग है, इसका मतलब वॉल्यूम प्राइस के साथ डिक्लाइन कर रही है। जिस जगह पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेसिकली वॉल्यूम प्राइस के साथ ऊपर जा रही है। ये एक तरीके से ना बाइंग एंड सेलिंग का इंडिकेटर की तरह भी काम करता है इन प्रोफेशनल वर्ल्ड। जैसे कि आपने अपने ब्रोकर को फोन लगाया और आपने बोला कि मुझे रिलायंस बाई करना है, तो सिंपली बेसिकली आप बोलोगे कि मुझे एक बेस्ट प्राइस पे वॉल्यूम बाई कर रिलायंस बाई करना है। तो आपका जो डीलर है, ब्रोकर है, वो क्या बोलेगा आपसे कि ओके सर, आई विल बाई एट अ बेस्ट प्राइस। अगर उसने बहुत ऊपर बाई किया तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, बहुत नीचे बाई किया क्या पता वो सेलिंग में चल रहा हो, तो वो एक ऐसे एवरेज प्राइस पे बाई करता है जहां पे बहुत लोगों ने बाई किया या फिर जहां पे वॉल्यूम बहुत अच्छी है कि उस। बट आजकल हम इसको एज ए इंडिकेटर इन इंट्राडे यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बस इसको समझाना चाहूंगा कि कैसे काम करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इंट्राडे के बेसिस पे समझाता हूं जिससे आपको समझ आए। तो हम सबसे पहले ना एक इंट्राडे का चार्ट रखते हैं, चार्ट डिवाइड करते हैं। ये मान लो मार्केट यहां से स्टार्ट हुई है, मार्केट ने ये मूव दिखा, ये मूव आया, ये मूव आया, ये आया, ये मूव गया, दिस इज जस्ट अ टिपिकल इंट्राडे चार्ट, इमेजिन, ठीक है। अब क्या होगा ना, मैं आपको बस इसमें यह समझाना चाहता हूं कि वीवैप को परफेक्टली कब चेकआउट किया जा सकता है, कब यूज कर सकते हो। वीवैप की लाइन यहीं से स्टार्ट होगी। अब मान लो ये डॉटेड लाइन वीवैप की है, दिस इज वीवैप, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। अब आपको अगर ये सिर्फ एज ए इंडिकेटर आप देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे क्या चल रहा है, बट मैं आपको थोड़ा सा ना इसके अंदर डाइव इन कराता हूं। तो क्या होता है ना, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, बेसिकली आप ये बताओ मुझे कि जब भी मार्केट ऐसे जाके ऊपर को सीधे जा रही होगी ना, तो आप देखोगे वॉल्यूम यहां कहीं बहुत ज्यादा थी, बहुत हाई वॉल्यूम थी, यहां पे वॉल्यूम धीमी होती चली जाएगी, धीमी होती चली जाएगी, और फिर यहां पे वॉल्यूम बढ़ेगी और यहां से मार्केट गिर जाती है। तो आप एक बात को समझो, वॉल्यूम हमेशा हाईएस्ट कहां पे होती है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस पे बोला है, जहां पे चॉपिनेस बहुत ज्यादा होती है। चॉपिनेस कब क्रिएट होती है, जब बायर और सेलर लड़ रहे होते हैं एक जगह पे, मतलब वहां पे बायर भी है, वहां पे सेलर भी है, वहां पे वॉल्यूम बढ़ बढ़ के आ रही है। कभी भी सिंपल रनवे में, मतलब ऊपर की तरफ जाती हुई, अगर मान लो कोई भी दिन उठा लेना आप, अगर उसमें वॉल्यूम आपको दिख रही है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा है, तो आप देखना उस दिन मार्केट बहुत चौपी थी। अगर मार्केट बिल्कुल ट्रेंडी है तो उसमें नीचे की तरफ वॉल्यूम ज्यादा होगी, और जो मिडवे है ना, जो शार्प मूव है, वहां पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वहां पे एक्चुअली में एंट्री नहीं हो रही थी। अगली वॉल्यूम वहां पे बढ़ती है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, या तो सेल ऑफ या रिवर्सल आ जाता है। तो सिंपली आप समझो कि वीवैप आपको वहीं पे ज्यादा देर तक टिका हुआ मिलेगा जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगी। वॉल्यूम ज्यादा कहां होगी, तो ये दूसरा तरीका है देखने का कि जब भी आपको लगता है कि आप एक ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो ना, सबसे पहले ये समझो कि ये ब्रेकआउट कैसे हुआ। ब्रेकआउट इसलिए हुआ कि ये रहा बायर, ये रहा सेलर, बायर जीता, सेलर हारा, सेलर जीता, बायर जीता, सेलर जीता, इन दोनों में जब ये ब्रेकडाउन हुआ ना, अल्टीमेटली कौन जीता, सेलर। तो ये जो अल्टीमेटली जीता ना,
अब यहाँ पे वीवेब भी ऐसे ही होगा, ये रहा वीवेब और ये नीचे गया। आपने सोचा वीवेब के नीचे गया तो सेल हुआ है, नहीं, यहाँ पे बेसिकली इन दोनों बायर और सेलर की जो वॉल्यूम थी वो बहुत हाई थी, पर एट द एंड जीता कौन? सेलर। तो बेसिकली सेलर लोगों की वॉल्यूम जीत गई, इनका हिट हुआ है SL, ये भी बन गए सेलर। अब दो सेलर हैं और मार्केट नीचे गिर गई है और हमें लगता है वीवेब की वजह से गिर गई है। तो बेसिकली ये समझो, जहां पे मार्केट साइडवेज होती है ना, एक्चुअली में वीवेब उसी जगह पे होता है हमेशा, आप ट्राई करोगे तो। वीवेब जैसे देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, अब हमें क्या लगता है ना मार्केट ऊपर जाएगी, वीवेब से टकरा के नीचे गिरेगी, वो इस वजह से हमें लगता है क्योंकि ये एरिया में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ये एरिया में वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से मार्केट गिरी है। और मार्केट गिरने के बाद एक कंफर्मेशन मिला, दोनों सेलर हो गए, ये बिकॉज ऑफ SL हो गए और ये सब सेलर पहले से थे ही, ये दोनों जीत गए, इस वजह से वीवेब के नीचे मार्केट में सेल ऑफ आता है और ऊपर ज्यादा टाइम वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, बिकॉज ये विनर थे, मार्केट को वापस आते टाइम ये वापस से सेल ऑफ कर देंगे। सिंपल। अभी मैं इसको चार्ट पे दिखाऊंगा ना आपको, तो और थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो मैं चलो चार्ट पे दिखाता हूं पहले आपको इस चीज को। मैं यहाँ पे सिंपल एक वीवेब लगाता हूँ, इंडिकेटर में गए हम लोग, इंडिकेटर में हमने सर्च किया वीवेब, ये मैंने वीवेब पे क्लिक किया, क्रॉस क्रॉस, कुछ गलत ही आ गया, वेट, कैंसल इंडिकेटर, वीवेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये लो देखो एक ग्राफ की तरह खुल गया। यहाँ पे इसमें ना बैंड्स होंगे, तो मैं इन बैंड सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में अपर बैंड लोअर बैंड सब हटा दिया मैंने, ओके, और एक और कुछ बच गया, लोअर बैंड भी हटा दिया मैंने, बैंड फिल हटा दिया, ओके, ओनली वीवेब बचा है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये है एक घंटे का चार्ट, इसको हम लेके जाते हैं इंट्राडे 5 मिनट पे, ठीक है, इंट्राडे 5 मिनट पे लेके गए हम। ये देखो ये आज का चार्ट है, ठीक है, ये आज 6 जनवरी का चार्ट है बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं अब समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने मार्क कर लिया, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट में एक रेड कैंडल आई, उसके बाद मार्केट में टाइम पास, ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ इस जगह पे। बेसिकली आप देखो यहाँ पे वीवेब फ्लैट है, इस जगह पे वीवेब फ्लैट है, फ्लैट होने का मतलब ये है यहाँ पे दोनों अभी लड़ रहे थे, ये बायर भी था यहाँ पे सेलर भी था, दोनों लड़ रहे थे इस जगह पे। तो एक तरीके से समझो कि जहां पे भी वीवेब फ्लैट होगा, ये जितनी देर तक फ्लैट रहेगा उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि देखो ये फ्लैट था, डाउनग्रेड आया, यहाँ पे ये सेल ऑफ हुआ, ये इस जगह पे आपने एंट्री ली सेल ऑफ करके, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखना, साइडवेज, ये ब्रेकडाउन, अब भी मैंने एग्जांपल दिया था जस्ट एक मिनट पहले कि जहां पे भी ऐसा होगा कि बायर भी है सेलर भी है, क्या है, बायर भी है और सेलर भी है, तो यहां पे क्या हुआ, इस कैंडल पे कौन जीता, सेलर, सेलर जीत गया, इन बायर का SL लगा, यहां पे भी सेलर आ गया, तो बेसिकली दो सेलर हो गए, तो अब मार्केट तेजी से नीचे गिरी। तो आपको फ्लैट वीवेब जितना फायदा देता है उतना रनिंग वीवेब कभी नहीं देगा, मतलब अगर मार्केट ऊपर को जा रही है ऐसे यूं तो उसके साथ वीवेब भी ऐसे ऊपर को जा रहा होगा, आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। आप अगर इसके बिहाफ पे जिस दिन ओनली रनिंग मार्केट होगी और आप इसके बिहाफ पे यहाँ पे सोचोगे पुल बैक पे मैं बाई कर लूं, हो सकता है आप गलत हो, बिकॉज वीवेब को बनने का टाइम ही नहीं मिला, वीवेब को बनने के लिए एक साइडवेज एरिया की जरूरत होती ही होती है, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको लगेगा इस जगह पे फिर से देखो एक वो क्रिएट हुआ वीवेब, यहाँ पे फिर से फ्लैट हो गया होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इस जगह पे भी एक्चुअली वीवेब वर्क कर देता, क्योंकि आप सिर्फ क्या देखते हो वीवेब के नीचे है, तो ये जो वीवेब के नीचे है ना, ये पहले वाले वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाले रिवर्स करके उसको ऊपर नहीं ले जा सकते। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मार्केट रनिंग होगी बिल्कुल, अब हम एक थोड़ा सा ना रनिंग एग्जांपल लेते हैं जहां पे मार्केट बिल्कुल भी रुकी ना, पुल बैक आया ही ना हो, मैं वो मार्केट ढूंढ रहा हूं, जैसे कि चलो ये ले लो, इस जगह पे भी आप ध्यान से देखो इस दिन मार्केट बिल्कुल नहीं रुकी थी, ये मैं मार्कर पे आया, ठीक है, सिंपल, यहां पे देखना ध्यान से, मार्केट नीचे खुली, ये एक साइडवेज एरिया आया जहां पे एक फ्लैट वीवेप है, फ्लैट वीवेप जितना लंबा रहेगा, मतलब 2 घंटे का अगर फ्लैट वीवेप है आपके लिए बेस्ट चीज है, मार्केट साइडवेज 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 साइडवेज
अभी भी ये साइड पे देखो वीवेप में कोई खास वो नहीं हुआ, देन जब ये पुश आया ना वीवेप ऊपर की तरफ जाने लगा। अब देखो मार्केट रुकी नहीं रुकी नहीं रुकी नहीं। अब अगर इस जगह पे ना गलती से ये लंबे में यहाँ पे वीवेप पे टेस्टिंग होती मान लो और आप सोचते वीवेप पे बाई कर ले, ये गलत डिसीजन है। मतलब मैं सिर्फ आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि वीवेप अगर एक साइडवेज के बाद आपको ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट दे रहा है ऊपर की तरफ, वो ज्यादा बेहतर ट्रेड होती है। अदरवाइज आप क्या सोचते हो कि मुझे मैं ये ट्रेड मिस हो गई, ये ट्रेड मिस हो गई, ये भी मिस हो गई, ये यहां पे अब आप क्या सोचते हो कि मैं इस जगह पे वीवेप पे आएगा और मैं बाई कर लूंगा, ये ट्रेड हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपकी एसएल हिट कर जाए, हो सकता है ये और नीचे खींचाए, क्योंकि एक्चुअली में अगर वीवेप कहां है इस फ्लैट एरिया में, ये जो वीवेप है ये इसके अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम होती है, उतनी बेहतर नहीं है क्योंकि यहां पे लोग घुसे ही नहीं एक्चुअली। तो आप यहां पे देखो इस जगह पे एक्चुअली कोई खास वॉल्यूम नहीं है, इस जगह पे वॉल्यूम बेसिकली सेल ऑफ की वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और एट द एंड में भी ये प्रॉफिट बुकिंग की चक्कर में यहां पे दिक्कत आती है क्योंकि एंड में लोग या तो अपनी ट्रेड निकाल ले जाते हैं या तो होल्ड कर ले जाते हैं, पर एंड और बिगनिंग की वॉल्यूम को छोड़कर जो मिड एरिया वाला एरिया है जहां पे ना वॉल्यूम धीरे धीरे ऐड हुई है, धीरे धीरे ना कोई मार्केट ऊपर गई ना नीचे गई, बट धीरे धीरे ऐड होके बहुत बड़ी वॉल्यूम बन जाती है, फिर उसका जो ब्रेकआउट होता है वो बेसिकली ट्रेडेबल होता है, आपको ज्यादा बेहतर ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। चलो और एग्जांपल देखते हैं, चलो ये रहा। इस एग्जांपल में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बेहतर काम किया किसने, वीवेप ने। यहां पे देखो साइडवेज 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 वीवेप बिल्कुल फ्लैट है, इसने ब्रेक डाउन दिया, आपने यहां पे सेल किया, इसने वापस आके यहां पे रेजिस्टेंस लिया, क्यों, क्योंकि ये वही वीवेप है जहां से ट्रेड क्रिएट हुई थी, जहां पे साइडवेज एरिया था ये अभी भी फ्लैट एरिया है, उसी जगह पे उसने रेजिस्टेंस लिया, वापस आई मार्केट ऊपर गई यहां पे फिर से उसने साइडवेज, क्योंकि ये फिर से अभी वही एरिया है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर इसकी जगह ये ऐसे चला गया होता ना इस जगह पे, तो आपका वीवेप यहां कहीं आ गया होता और आप सोचते ये है सेल ऑफ एरिया और आप ऐसे सेल कर देते, ये एक रॉन्ग डिसीजन है। आपको जब भी एक फ्लैट एरिया जो बिगिनिंग में एक लंबा एरिया बना था, अगर उस एरिया में कभी ऊपर की तरफ जाकर रेजिस्टेंस मिलता है, रेड कैंडल मिलती है, तो उसका सेल ऑफ ज्यादा बेहतर होता है, ना कि चलते हुए वीवेप का। तो वीवेप को समझने का ट्राई करो, मैं इसको और एक तरीके से समझा सकता हूं। यू कैन से कि जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा, देखो हमको बहुत गलत परसेप्शन है कि एग्जांपल देता हूं मैं कि मार्केट में ये ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, ध्यान से रुको देखना, मार्केट खुली ठीक है, मार्केट ऊपर गई सीधे, ये एक वॉल्यूम है यहाँ पे ठीक है, इसके बाद मार्केट में साइडवेज एरिया आया, साइडवेज एरिया में देखो क्या है, कोई खास वॉल्यूम नहीं है इस जगह तक, उसके बाद एक वॉल्यूम आई और मार्केट ने ब्रेकआउट किया। हमारा एक परसेप्शन है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट कर रहा हो और वॉल्यूम बढ़ रही हो तो ये एक अच्छी बात होती है, आपको ये ट्रेड बहुत आगे तक ले जाएगी। इसमें बस एक ही ग्लिच है, इसमें ग्लिच ये है कि आपने अगर पहली ही कैंडल पे पकड़ लिया तो बात अलग है, लेकिन अगर मान लो ये कैंडल ऐसे ऐसे और ऐसे होती और ये तीन वॉल्यूम ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती, तो बहुत ज्यादा चांस है जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल है वहां से हम रिवर्स मारने वाले हैं ठीक है। यहां पे आप देखोगे कि इसके बाद वॉल्यूम बेसिकली लो हो गई, जो देखो ध्यान से देखना, ये जो कैंडल का ब्रेकआउट है ये रहा, इसके बाद वॉल्यूम लो हो गई और लो वॉल्यूम होने की वजह से मार्केट ने एक ब्रेक मतलब एक साइडवेज एरिया बनाया। हमेशा चांस का वेट करो, मार्केट अगर साइडवेज एरिया बना रहा है और एक फ्लैट वीवेप क्रिएट कर रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, बट अगर आप रनिंग मार्केट में तीन कैंडल ऊपर को जा चुकी हैं और उसमें वॉल्यूम बढ़ी हुई है तो आपके लिए ये बहुत दिक्कत की बात है, मार्केट गिर सकती है और आपको इसमें कोई शायद खास चांस ना मिले। एग्जाम्पल देता हूं ये यहां, ये रहा देखो मार्केट में वही सेम एग्जाम्पल, वॉल्यूम बढ़ी 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 और बढ़ी, मतलब ये जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल ये हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल है, तो लॉजिक के हिसाब से क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ रही है, प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो आप बाई करो। मान लो आप लेट हो, आपने यहां बाई नहीं किया, आपको क्या लगा कि दो क्वांटिटी यहां बाई कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा तो मैं दो क्वांटिटी और बाई कर लूंगा क्योंकि इसको तो ऊपर ही जाना है क्योंकि वॉल्यूम हाई थी। रॉन्ग आंसर, अगर वॉल्यूम यहां हाई यहां हाई यहां और हाई पहुंच गई तो ये हाईएस्ट चांसेस हैं कि मार्केट ऐसे जा रही थी अप 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 अप,
वॉल्यूम एक्चुअली यहाँ क्रिएट होती है, ये जो साइडवेज एरिया है ना, बेवकूफ़ कहाँ बना सकते हैं जहाँ पे क्लीन चार्ट नहीं है। तो बेवकूफ़ रिटेलर को यहाँ पे बनाया जाता है, यहाँ पे बनाया जाता है, यहाँ पे एंट्री बड़े लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली यहाँ पे ऊपर जाके अगर वॉल्यूम बड़ी बन रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेसिकली कि या तो वहाँ पे बायर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, या तो वहाँ पे सेलर भी आ गए, क्योंकि ये लोग तो पहले से बैठे थे ना इस जगह पे। अगर वॉल्यूम बढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीन कैंडल के बायर हैं ये थे ऊपर की तरफ कैंडल, ये आखिरी वाली में वॉल्यूम इतनी ज्यादा क्यों है जहां से मार्केट गिर गई, इस वजह से गिरी क्योंकि वहां पे सेलर भी आ गया, बायर तो पहले से था भी, और जो बायर था उसका प्रॉफिट बुकिंग वाला बंदा भी आ गया। तो ये तीनों मिलके एक बड़ी वॉल्यूम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर गई। तो ये एक वॉल्यूम का फंडा है। वॉल्यूम को समझना एक बहुत वास्ट टॉपिक है, और आप उसमें बहुत चीजों को मिक्स कर देते हो, सिर्फ वीवैप को जज कर लेते हो कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बट हमेशा मेरे हिसाब से जब तक कंसोलिडेटेड वीवैप ना हो तब तक उस वो किसी यूज का नहीं है। कंसोलिडेटेड वीवैप के बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे, जैसे कि ये रहा देखो, फ्लैट है एकदम। अब इसके बाद जो होगा ना, दैट्स द डिसीजन पॉइंट। अब इसके बाद जो हुआ ना, ये आपका बाइंग पॉइंट। तो आप अगर इस ट्रेड को देखोगे, इस ट्रेड में आपको देखने को मिलेगा, इस ट्रेड में जहां पे आपको क्या बोलते हैं, ये देखो बिल्कुल साइडवेज एरिया, फ्लैट वीवैप, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, आपने यहां पे बाई किया, इस जगह पे आके एक्चुअली मार्केट अब वीवैप पे सपोर्ट लेगा क्योंकि उसको फ्लैट वीवैप मिला था, वापस से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, आपके पास एक अच्छी ट्रेड थी। तो अगर इसी की जगह मार्केट क्या करता, ऐसे आता, वीवैप भी नीचे आ गया होगा, आप सोचते यहां पे अब मैं सेल मारता हूं, चांसेस हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होगा और आपकी ट्रेड गलत हो जाएगी। तो बेसिक फंडा यहां पे ये है कि वॉल्यूम को रीड करना सीखो। वॉल्यूम को रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस एरिया पे नजर रखनी है जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जहां पे एक रिटेलर, एक छोटा ट्रेडर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब उस जगह पे बड़े ट्रेडर अपना गेम खेल रहे हैं और वो सिर्फ वही जगह और ब्रेकआउट नहीं दिख रहा। और उस एरिया को आप हमेशा बॉक्स ट्रेडिंग, आपने देखी होगी दारवास बॉक्स देखा होगा, ये इन सब का जो बेस मॉडल है ना वो यहीं से क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली वीवैप भी बेसिकली क्या दिखाता है, पिछले दिन का बेस एरिया, मतलब एवरेज प्राइस, बेस कहाँ पे था। अगर पिछले दिन का बेस देखोगे आप, आपने पीडीएल और प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो, ये सब देखा होगा ना, तो बेसिकली इस वजह से होता है कि पिछले दिन लोग जहाँ पे इकट्ठे थे, लोग जहाँ पे इकट्ठे थे, अगर मार्केट उसके ऊपर है तब तक यू आर बुलिश। देखो ध्यान से, रुको, जब तक मार्केट पिछले दिन के, ये जो पिछले दिन का वीवैप है ये रहा, इसके ऊपर है तब तक यू आर बुलिश। जब मार्केट पिछले दिन के वीवैप, जो पिछले दिन का वीवैप प्राइस था, उसके नीचे चला जाएगा, उस दिन से आपकी बुलिशनेस कैंसिल हो सकता है। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं यहां पे, या फिर मेरी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, बट आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो मैं जो बताना चाहता हूं। यहां पे होता क्या है, पिछले दिन के चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पिछले दिन लोग कहाँ पे ज्यादा थे। तो लोग थे इस वीवैप पे ज्यादा, एवरेज प्राइस यहाँ पे है, तो ये वीवैप यहाँ रहा, जब तक इस वीवैप के ऊपर मार्केट है ना, आई विल प्ले बुलिश। जैसे ही मार्केट इस वीवैप के नीचे चलेगी, अब मेरे लिए ये मार्केट बेरिश हो चुकी है इस जगह पे। अब यहाँ पे, अब मेरे लिए ये मार्केट देखो, अब यहाँ पे बेरिश है मेरे लिए इस जगह पे। मैं बुलिश कब होऊंगा, बुलिश किस जगह पे होऊंगा, जब मार्केट अब ये एरिया और ये एरिया, मतलब बेसिकली इसके ऊपर जाएगी। सिंपल, बहुत सिंपल है। पिछले दिन का जो वीवैप था और ये था, दो दिन का यूज करो, ये पहला दिन मान लो जो लेटेस्ट है, ये दूसरा दिन जो इसके पहले वाला था, इसके पहले वाले दिन पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है क्योंकि मार्केट जब तक इसके ऊपर है यहां पे सपोर्ट ले सकती है। मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल पे यहां पे ब्रेक किया, अब ये बेरिश थी, अब ये बुलिश सिर्फ तभी बन सकती है जब ये यहां पे ब्रेकआउट करे। अब आप यहां पे देखो, ये बुलिशनेस भी जीत जाएगी, ये बुलिशनेस भी जीत जाएगी, और इसके बाद का जो मूव है, यू कैन सी हियर, इसके बाद का मूव बहुत फ्यूरियस था क्योंकि दो बुलिश लोग जीत गए यहां पे। मगर अगर मार्केट यहां से नीचे जाती और मार्केट इस एवरेज प्राइस के नीचे चली जाती, तो बेसिकली समझ लो यहां से ये ब्रेकआउट काफी तेज होता और आपको एक तेज मूव मिलता। तो यहां पे आपको सिर्फ जज करना है कि जो एवरेज लोग हैं, जो हायर वॉल्यूम वाले लोग हैं, वो कहां कहां थे पिछले दो दिनों में, उस एरिया को देखो और आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। दैट्स इट, इसमें और कुछ समझाने लायक नहीं है। आप इस चीज को जज करके देखो ये चीज क्या काम करती है नहीं। अब देखो इसका एक्चुअली में, अब अगर मुझसे पूछोगे कि एवरेज प्राइस कहां है, एवरेज प्राइस में फिर से आपको लिख दे सकता हूं, ये इसके पिछला दिन,
ये इसका पिछला दिन और ये इसका बेस प्राइस, ये एक साइडवेज एरिया है ठीक है, इसके ऊपर ये बुलिश है। अब देखो यहाँ पे मार्केट है, ये अभी भी बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, अभी भी बुलिश है। ये मार्केट नीचे पुश आउट किया फिर से ऊपर गई, अभी भी ये बुलिश है क्योंकि मार्केट एक्चुअली सिर्फ इस वीवैप से जज नहीं हो रही है, मार्केट जज हो रही है पिछले दिन के विनर्स से, पिछले दिन के विनर्स पिछले दो दिन के बुल्स हैं। और इधर आया मैं, ये देखो मार्केट, मैंने क्या बोला कि पिछले दिन में क्या था, बुलिश थी, बुलिश थी, ये देखो मार्केट अगले दिन फिर ऊपर आई, यहाँ पे बुलिशनेस का मूव आ गया, अभी भी मार्केट बुलिश ही है क्योंकि उधर को जा रही। आप सिर्फ ये जो बेस एरिया है ना, बेस वीवैप है, इनकी लाइन खींचते रहो, पिछले दो दिन की खींचो खाली, बहुत है, दो से तीन दिन, और आपको देखने को मिलेगा कि अगर उस लाइन, वो जो लाइनें आपने खींची तीनों वीवैप पे, जहां पे एंड हुआ था वीवैप, जहां पे फ्लैट था वीवैप पिछले तीन दिन में, अगर मार्केट उसके ऊपर है तो आपको बहुत अच्छे बुलिश मूव देखने को मिलेंगे, आप बुलिश ट्रेड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। अगर मार्केट उन तीनों लाइनों के नीचे है तो हो सकता है आपको सेलिंग की ट्रेड ज्यादा अच्छे से मिलेगी, आपको बस तीन दिनों पर ध्यान देना है। रिसेंट का समझने के लिए ये लो, रिसेंट के ये रहे तीन दिन, मैं इन तीनों दिन पे लाइन खींच देता हूं जिससे आपको आसानी हो, और ये टॉपिक हम यहीं पे एंड कर देंगे। फ्लैट एरिया पे लाइन खींचनी है, दैट्स इट। आपने देखा होगा मेरी ट्रेड्स अभी रिसेंटली देखी होंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये डे स्टार्ट है, ये रहा फ्लैट एरिया इसका, ठीक है, ये ज्यादातर फ्लैट एरिया इसका, और ये एक्चुअली चारों का फ्लैट एरिया देख रहे हो, एक बहुत ही कॉमन लाइन है। अगर चार दिन एक ही लाइन में वीवैप कंसाइड कर रहा है तो मतलब ये बहुत ही खतरनाक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके नीचे, मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे आएगी, ये एक रेजिस्टेंस हिट हो सकता है, मार्केट यहाँ ऊपर जाएगी, एक रेजिस्टेंस हिट हो सकता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस हिट हो सकता है, सिंपल। जो ये सबसे खतरनाक वाला है जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ये तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस हो गया, मैं यहाँ पे सेल करने का सीखूंगा। अभी मार्केट इन तीनों रेजिस्टेंस के नीचे है, तो इन तीन में से अगर दो के नीचे है तो सेल की ट्रेड ज्यादा लेना, अगर इन तीनों के ऊपर पहुंच गया तो सिर्फ बाई की ट्रेड लेना, दैट्स इट। आप समझ गए वीवैप क्या है, जस्ट डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगल डे, वो भी बहुत ही ट्रेंडी वाला, उसमें आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाली। ओके चलो, तो ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक नहीं था, इसमें मैंने समझाने का बहुत ही डिफरेंट चीज समझाने का ट्राई किया है। आई होप मेरी लैंग्वेज थोड़ी क्लीन रही हो, रॉ लैंग्वेज लगी हो और आपको समझ में आया हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।